वेल हेलो गाइस, क्या चल रहा है? हाँ, मैं 2 हफ्ते फिर से गायब हो चुका था। तो गाइस, हम फिर से वापस आ चुके हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम क्या करने वाले हैं? अपना पुराना चुदाव, अपना पुराना रंडी रोना ही हम करने वाले हैं। क्या किसिंग प्रैंक्स का रोस्ट? उसमें पिछली बार बहुत व्यूज आए थे, तो इसीलिए उसका पार्ट 2 तो बनता है। तो बिना किसी देर के क्या शुरू करते हैं? मुझे कोई एक इंट्रो बना दो। What's up guys, I'm Vinay from भाइयों का चैनल AVR Prank TV। और भाई लोग मुझे ये सोच के, तुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है तू? नहीं नहीं, हम फिर से इस भाई को लेके आ चुके हैं, क्योंकि इस भाई ने मुझे पिछली बार अपने इस थंबनेल से बहुत ज्यादा व्यूज दी थी। तो आज ये फिर से किसिंग प्रैंक्स करने वाला है, और मुझे शायद तक लगते इसमें भी मुझे व्यूज आएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रैंक्स होंगे आज। हाय, आई एम विनय, ये दिख रहा है क्या? मग है, ठीक है। अगर ये गिरा दिया, सो यू विन, यू कैन स्लैप मी एज हार्ड एज यू वांट। अगर नहीं गिरा, आई विन, यू हैव टू किस मी ऑन द चीक और एनीवेयर यू वांट, ओके? तो थोड़ा ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये जो दारू की बोतल लाया है, ये कहां से इन लोगों को मग लग रहा है मुझे पता नहीं। गांजे का सस्ता नशा जो भी हो, उसे अगर लड़कियां पेपर मार के गिरा पाए तो वो इसे जहां कहीं भी चाहे थप्पड़ मार सकती है, और अगर नहीं गिरा पाई तो ये बंदा उनसे किस लेगा। मतलब इस लोंडे की ठरक की कोई सीमा नहीं है। एक वीडियो से पैसा हुआ तो यार, मतलब हर एक वीडियो में ये किसिंग प्रैंक ही करता जाएगा। मत मार देना बोतल में, न्यूज़पेपर ही लगना चाहिए। स्टार्ट। लास्ट चांस। हाँ, बस उसे लोहा बना दूँ मैं पूरी जान। तुझे गिरना नहीं है बेटा आज, भाई की इज्जत बचानी है। मतलब इससे ज्यादा जेन्युइन स्पोर्ट्स तो यार हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे में होते हैं, और उससे बड़ी बात मैं उनमें कभी पार्टिसिपेट भी नहीं करता था। यार इससे अच्छा यार कोई काम धंधा कर लो, बीवी बच्चे खुश रहेंगे। मतलब क्या है यार, जिस बोतल में तुम रात को दारू पीते हो, उसी बोतल को लड़कियों से गिरवा के तुम्हें किस अहम ब्रह्मास्मि की मतलब फीलिंग आ जाएगी, मुझे थोड़ा बताओ। Yes! Yes, I mean, come on, pass. Yo. Yo. Thank you. यार इन प्रैंक्स में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है बैकग्राउंड वाले लोगों का रिएक्शन। जैसे जैसे इन लोगों को ही देख लो यार, ये लौंडिया सोच रहे हैं कि यार ये क्या चुतियापा हो रहा है। वो लौंडा सोच रहा है कि यार देखो, उस लौंडिया ने एक अनजान लड़के को किस दे दिया, तू कब देगी? देखा, मैंने कहा ही था कि ये बंदा जरूर दारू की बोतल लाएगा, और लाया भी। और यार नशे सोचो इस बंदे के, क्या दारू के बोतल से बातें कर रहा है कि यार अगर तू मेरी साइड नहीं गिरा तो तू लड़की के साथ जाएगा। मतलब यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांजे का नशा करके लोग भी ट्यूबलाइट की तरफ ऐसे हाँ करके खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नशा नहीं चलता है भाई जिसमें तुम लोग यूट्यूब में प्रैंक करना शुरू कर दो, खुद को प्रैंकस्टर ही घोषित कर दो। यार ये बवासीर का नशा बहुत ज्यादा खतरनाक है। आ गया भी, यार। यो। देख लेना मेरी तरफ आएगा। हाँ, मेरी साइड है वो, मेरी साइड है, डोंट वरी बाबू। यार मैं इसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहा हूँ कि यार बोतल एक बार इसके साथ बिट्रे कर गई, कर ही सकती है यार, दारू की बोतल है, इसे भी नशा चढ़ गया होगा। यार मैं गौर कर रहा हूँ उस अंकल जी पर, यार चचा ने यार नजर जो डाली है, आए आए यार, तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो, उसके ऊपर ऐसे नजर मत डालो। मतलब यार देखो, आंखों से ही पी जाएंगे सब कुछ। तुम अपनी भावनाओं को डालो अपनी कान में, से ना हो पाएगा। अच्छा, अगर इसके बाद एक और राउंड खेलूंगा मैं, ठीक है? एक और राउंड खेलते हैं, चलो। ओह, मर गया मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक और राउंड।
नहीं इधर कोई फायदा नहीं है, चिल्ला। ठीक है, बोतल बोतल का खेल तो होता रहेगा और इसे दो चार चमाटे पड़ गए वो भी ठीक है, लेकिन मुझे कोई एक बात बताओ, मियां खलीफा यहाँ पर क्या कर रही है यार? उसे हिंदी भी कैसे आ गई और वो यहाँ पर आके प्रैंक में पार्टिसिपेट भी क्यों कर रही है? मुझे कोई एक बताओ यार। यार पैसों की तंगी थी तो यार ये मुझे नहीं, मेरे पास पैसे है भी नहीं, तो किसी और के साथ कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन यार दो चार पैसे के लिए इस प्रैंक में क्यों? यार दीदी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, मतलब दो चार फोल्डर्स ऐसे ही कुर्बान कर चुके हैं हम, इसीलिए प्लीज कुछ तो लिहाज रखिए। कोई फायदा नहीं, चिल्ला बार मेरी साइड आ जाओ प्लीज यार। यस मेरी तरफ आ गया, यस आई विल। Yo, yo, thank you. Om Jai Kali. एक मिनट, सारी लड़कियों ने इसके गालों पे ही पप्पी ली है, लेकिन इस लड़की को यार कैसे चुलमची क्या डायरेक्ट हो? यार मुझे पिछली बार की तरह इसमें भी कुछ झोल लग रहा है, मुझे पता नहीं, मतलब मैं अपने रोस्टिंग वीडियोस भी स्क्रिप्टेड नहीं करता हूँ, लेकिन इसको क्यों मुझे बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रही है मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं पता। काली इधर। ओह माय गॉड, हार गया मैं। देखो देखो बताना देखो। ओह शिट, इतनी तेज मार दिया मुझे। ओ भाई, भाई की एक्टिंग देखो यार, मतलब अबाने पूरे के पूरे सल्लू भाई इसमें समा जा सकते हैं यार। ऐसी एक्टिंग करने के लिए यार तुम्हें बुर्ज खलीफा और मियां खलीफा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी यार। मतलब यार प्लीज़ यार, हो भी सकता है भाई को सचमुच में लग गया हो शरीर की जो हालत है यार, इसे यार कोई दो चार वे प्रोटीन के डब्बे दो यार, इसे वे प्रोटीन चरवा के कोई यार फेंक दो कहीं पर, फेंक दो। तो गाइस आज का वीडियो और आज का कार्यक्रम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है क्योंकि यार फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा यार कुत्तों की तरह मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे, मतलब एक दिन में दो टाइम शूट रख के मैं ये काम कर रहा हूँ। और यार तुम लोगों का जो सपोर्ट मिला है यार ट्रेलर में, यार पहला ट्रेलर है जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, तो उसके लिए भी तुम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यार। ऐसे रिस्पॉन्स दिखाया करो और फिल्म आए तो यार बहुत ज़्यादा व्यूज, कुछ नहीं जानता मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। तुम लोग कमेंट वमेंट तो करते नहीं हो यार, क्या कर रहे हो? तो बस आज के लिए इतना ही, तो बाय।